आप देख रहे हैं NBC 24 न्यूज़, मैं हूं आपके साथ निकुमार। कल मोदी कैबिनेट का विस्तार हुआ है। बता दें कि इस विस्तार में बिहार से कई नए चेहरों को जगह दी गई। बता दें कि लोजपा से एक पशुपति पारस को और जदयू से RCP सिंह जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है उन्हें केंद्रीय कैबिनेट में जगह दी गई। लेकिन इस दौरान देखा गया कि जो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद थे उन्हें मंत्री पद से हटा दिया गया। इसको लेकर हमने आज साफ तौर पर सवाल करने की कोशिश की। जो भाजपा विधायक हरिभूषण ठाकुर हैं, साथ ही साथ मुजफ्फरपुर से सांसद अजय निषाद, एक और जो संजय जायसवाल जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश की और पूछा कि आखिर क्यों हटाया गया, परफॉर्मेंस के आधार पर या फिर क्या किन कारणों से रविशंकर प्रसाद को पद से हटाया गया केंद्र से, जिसको लेकर क्या कुछ बोल रहे हैं ये तीनों नेता, आए पहले देखिए। अब ये तो प्रधानमंत्री जी का है, रविशंकर जी हो सकता है संगठन में बड़े पदे पर काम करेंगे, पार्टी में मंत्री हटे हो सकता है, प्रमोशन हो, महामंत्री बने, बहुत कुछ हो सकता है। मतलब ये माना जाए कि विभाग में काम बेहतर नहीं था, जिनका काम बेहतर नहीं था उनको हटा जी? नहीं, ऐसा नहीं है मानक कोई। हो सकता है कि उनको फिर संगठन सरकार दो चीज होता है, हो सकता है कि सरकार से संगठन में लगाया जाए, संगठन को और मजबूत करेंगे। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, हमारे यहाँ दोनों पैरेलल है। अच्छा, एक चीज़ और है कि नीतीश कुमार ने ट्वीट कर बधाई नहीं दी। आमतौर पर देखा जाता है कि कटसी में लोग बधाई देते हैं, बहुत नहीं नहीं बधाई। नीतीश जी भी हम लोग के साथ हैं, उनके भी RCP जी बने हैं मंत्री, उनको भी बहुत बहुत बधाई है और सारे लोगों को शुभकामना, सुख और समृद्ध भारत निर्माण में सारे लोग लगे। लेकिन बधाई क्यों नहीं दिए? कटसी में भी तो दिया जा सकता। अब ये तो नीतीश जी जानेंगे। बिहार के लिए खुशी की बात है कि गिरिराज सिंह जी को ग्रामीण विकास ऐसा विभाग मिला है और बिहार का 89% क्षेत्र जो है वो ग्रामीण क्षेत्र है। आज ग्रामीण विकास मंत्री बिहार के या बहुत बनाया गया है और देखेंगे तो अभी तक जितना भी सरकार बनी है उसमें सबसे युवा मंत्रिमंडल में है और सबसे ज्यादा अच्छी बात यह है सभी लोग पढ़े लिखे हैं, इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, आयुष भी हैं, तो काम करने का जो एक है जो टीम बनाया गया है वो आगे वाला समय में बहुत अच्छा। रविशंकर प्रसाद जी को ड्रॉप किया गया है, आपको क्या कहेंगे? पता है कि इसमें तो हम जो प्रधानमंत्री जी का जिस सरकार बिहार है लेकिन काम आधार था ये आप मानते हैं? रविशंकर जी का दावा मिटा रहे हैं, चार से चार काम वो राष्ट्रवादी रहे, पहली बार लोकसभा से चुनाव जीते हैं, कई मंत्रिमंडल में भी रहे हैं, प्रधानमंत्री के साथ ये पूरा क्रम पूरा किए हैं। तीनों भाजपा नेता हैं, बड़े नेता हैं, साफ तौर पर बता रहे कि किन कारणों से हटाया गया रविशंकर प्रसाद को। हालांकि हरिभूषण ठाकुर का कहना है कि भले उन्हें मंत्री पद हटा दिया गया लेकिन हो सकता है उन्हें कोई ऐसा पद मिले जिससे कि वो संगठन को मजबूत करने का कार्य करें। और भी तमाम तरह की बातें संजय जायसवाल और अजय निषाद ने कही। तो आप ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहें NBC 24 के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।